नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं देवरिया के बीआरडी पीजी कॉलेज के हाईटेक नर्सरी पर और हम देखेंगे यहाँ पर जो पौधे लगे हैं आर्नामेंटल, वो हमारे मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी हैं। यहाँ कुछ हमारे स्टूडेंट हैं बीआरडी पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं पीएचडी में, इन्हीं से जानेंगे और हर एक प्लांट पर डिस्कशन करेंगे। ये स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है और किसान भाइयों के लिए भी, कैसे अपनी मतलब नर्सरी लगा करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सीधे चलते हैं, आप नर्सरी में एंट्री करते हैं। दोस्तों, जो नर्सरी का देखभाल करते हैं ये संतोष भाई करते हैं। संतोष भाई, आप यहाँ क्या क्या करते हैं? बस ये कटिंग करते हैं, अपना पौधे लगाते उगाते हैं, पानी वानी देते हैं। तो आपको मतलब इसका कुछ सैलरी मिलता है कि विद्यालय की तरफ से? मैं विद्यालय की तरफ से, तो कर्मचारी हैं। हाँ, तो ये नर्सरी लगाने का मतलब क्या? बच्चों को डेमोंस्ट्रेशन दिखाना? बच्चों को दिखाना, और आम जनता जो भी आती है पौधे ले जाते हैं, बेचते हैं, अपना देखते हैं लोग। अच्छा, मतलब विद्यालय की तरफ से यहाँ पर बिक्री भी होता है? बहुत अच्छी जानकारी है। तो संतोष भाई आपसे ये जानेंगे कि प्लांट के कौन कौन सा प्लांट है यहाँ पर, क्यों आपको पूरी जानकारी है पौधों के बारे में? जी, जैसे क्रोटन हमारे पास है, थाइकस है, डेफनबेचिया है, जरबेरा है जी, अमरूद है, काला अमरूद है, ब्लैक है जी। और उसके बाद अगर तो मतलब कि देवरिया जिले में जो किसान भाई हैं या फिर आम पब्लिक है, अगर तो लेना चाहे तो ले सकती है? कोई भी ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अब सीनियर भैया से जानेंगे, सीनियर सर से जानेंगे जो यहाँ पर पढ़ चुके हैं। उनकी जो संतोष भाई हैं, तो ये कर्मचारी हैं, तो उतना डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे पौधे के बारे में। तो हम रोहित भैया से अब अगला पूछ, तो सर आपसे जानेंगे कि ये कौन सा वृक्ष है, मतलब इसका मानव जात पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कैसा है, मेडिसिनल है कि क्या है? ये इस वृक्ष का नाम कल्प वृक्ष है, बॉटनिकल नेम है एडनसोनिया स्पीसीज का है। इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, इसमें फल भी आते हैं, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग है कि इसकी आयु बहुत ज़्यादा है, 500-600 साल और इससे भी ज़्यादा इसकी आयु है। और ये इतना बड़ा विशाल पेड़ हो जाता है 100-200 साल में कि इसमें लोग घर बना करके भी रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, और एक साल नहीं, कम से कम 3-4 साल बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है और इसका फल भी आप खा सकते हैं। फल मतलब मीठा होता है? मतलब मीठा होता है, बहुत मीठा होता है इसका फल जी। तो आप कल्प वृक्ष के बारे में जाने हैं, अब अगला दूसरा शुरू कर। का नाम है चिरैता, ये बहुत ही कारगर है मानव के लिए। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है फीवर में, अगर आपको कैसा भी फीवर है, एक महीना दो महीना से फीवर आ रहा है डेली, रात में आ जाता है, सुबह आ जाता है, ख़त्म नहीं होता है, तो आप इसको ले जाइए, इसका काढ़ा बनाइए और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा वन हाफ कप इसको बनाइए और पीजिए। कैसा मतलब भी बुखार के लिए बहुत उपयोगी है? जी, बुखार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कौन सी चीज़ों में? अगर भूख भी नहीं लगती है शरीर में, अगर भूख नहीं लगती है, अगर मलेरिया का फीवर है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सर आप बताइए कुछ इसके बारे में जो उपयोगी हो आपके लिए। मेरे लिए तो जो बताएं वही उपयोगी है, इसके बारे में हम तो कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, इन्हीं से अभी जो जाना है। ये बुखार के लिए बहुत ही अच्छा किफ़ायती है, और ये हम टेस्ट किए हैं, ये इसमें टेस्ट, ये कड़वाहट बहुत ज़्यादा कड़वाहट है ये इसका, ये इसमें से फूल निकलेगा, ये वाला पत्ता जो है ऐसे खाने पर ये इतना बहुत ज़्यादा ये कड़वाहट है, तो इसे नॉर्मली आदमी खा नहीं पाएगा इस तरह से। तो और कैमरामैन भाई से कहेंगे कि पूरा दिखाएं, ये क्रोटान है भैया, आप आइए इधर। ये मतलब पौधा का इंट्रोडक्शन हो जाए, ये क्या है, मतलब ये क्रोटान का क्या यूज है हमारे लिए? क्रोटन का स्पीसीज है, इससे कई सारी स्पीसीज आती हैं, और इसमें फ्लावरिंग बहुत लेट होता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों की शोभा बहुत अधिक होती है, मतलब शोभाकारी पौधा है, बहुत ही ज़्यादा शोभाकारी पौधा है। इसमें हर कलर का आपको हर डिज़ाइन में पत्तियां मिल जाएंगी, आप जैसा आप सोचते हैं कि मुझे ऐसी पत्ती चाहिए, वो ऐसी पत्ती आपको क्रोटन में मिल जाएगी। और ये सर क्या है? ये सर पाम है जी, ये कैबेज पाम है, और ये आप घरों में लगा सकते हैं बाउंड्री में, और देखने में अच्छा लगता है। सर इसका मतलब ईजी का क्या मतलब है, ये जो लगाया जाता है ये मतलब डोरंटा स्पीसीज है, इसको आप बाउंड्री की तरह से यूज कर सकते हैं, एज इसको हॉर्टिकल्चर लैंग्वेज में एज कहते हैं, और इसको आप एक तरह से बाउंड्री का काम कर सकते हैं, इसको बाउंड्री की जगह पर लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम सीधे मिलवाते हैं अपने संतोष भाई से, और संतोष भाई से कुछ इंट्रोड्यूस करवाएंगे कुछ पौधों के बारे में। संतोष भाई आप ये बताइए कि ये जो गुलाब है ये किस वैरायटी का है, कि आपको पता है? देसी वैरायटी का गुलाब है, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं एक देसी वैरायटी का गुलाब। तो ये इनका रेट क्या है आप बताइए? इसका रेट 20 रुपये है। 20 रुपये आप सबको देंगे कि किसी के लिए किफायत भी है? सबके लिए है, सबके लिए 20 रुपये। और कौन कौन से प्लांट है जो आप बेचते हैं? फूल हमारे पास गुलाब में कई वैरायटी, दिखाएं आप। कुंद है सामने,
वो जो है मतलब व्हाइट 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 खिला हुआ है, कुंद है वो। हाँ, और ये नींबू वाला क्या मैटर है? नींबू है, इलाहाबादी नींबू है ये। इलाहाबादी नींबू दिखाए, हमेशा फरता रहता है ये जी। हाँ अच्छा संतोष भाई, इसका ये बताइए इसका मतलब क्या है, जो एक क्लिम्बर लगाए हैं आप बॉटल लगाकर, ये क्या है? मीनिंग प्लांट है, शो के लिए। अच्छा शो के लिए है। और ये क्या है, इसको दिखाएं। ये फाइकस है, मतलब फाइकस का क्या यूज है? हाँ फिस्टल पाम है। अच्छा फिस्टल पाम है। और आइए आप, आइए आप भी साथ में आइए। ये क्या है? नहीं इलायची नहीं है जी, ये लकी बम्बू है, बांस। अच्छा बम्बू है, इसमें गाठ गाठ से होगा, बड़ा होगा जी जी जी, बनाने के काम। और ये क्या है, मतलब ये ऐसा मतलब कि जैसे इसमें पतझड़ आ गया हो, ऐसे ही रहता है कि? नहीं लीली है, फूल खिलता है, देखिए उसमें खिला हुआ है। फूल जो है बहुत सुगंधित, देखिए जी इसका व्हाइट भी आता है, व्हाइट दो कलर है, दो कलर है इसका जी, ये एक कलर का खिला हुआ है देखिए उसमें जी जी। हाँ देखने तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर आपसे जानेंगे इसके बारे में, मोरपंखी के बारे में। मोरपंखी हम अक्सर देखते हैं शहरों में सबके मतलब शोभाकारी पौधे में, इसमें क्या रोल है? ये मोरपंखी है, इसको आप बाउंड्री में लगाइए और बहुत अच्छा देखने में लगता है। इसका सबसे अच्छा डिज़ाइन बहुत अच्छा आप बना सकते हैं, जितना अच्छा आप कटिंग करेंगे उतनी अच्छी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसा आपको शेप चाहिए, आप चाहे तो उसका शेर बना लीजिए, जिस जैसा आप शेप चाहेंगे, जितने अच्छे आपके पास कटिंग के मटेरियल होंगे आप उतना अच्छा इसका शेप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देवरिया में रहते हैं तो BRD PG कॉलेज में ये नर्सरी, हाईटेक नर्सरी उपलब्ध है। और हमारे ये संतोष भाई है, इनका नंबर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको देवरिया में कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट चाहिए तो BRD PG कॉलेज आइए, हाईटेक नर्सरी में पूरा आपको हर एक पौधा मिल जाएगा, जितना भी मतलब कि आप दिखाएं, कैमरा मैन कह रहे हैं दिखाइए पूरा जितना भी पौधा है। तो संतोष भाई आपके यहाँ क्या क्या मतलब उपलब्ध हो जाएगा आसानी से? हमारे पास जो भी पौधे मिलेंगे सब ब्रांडेड पौधे मिलेंगे जी, जो भी है प्रमाणिकता के साथ मिलता है पौधा जी जी, अमरुद के पौधे सब अमरुद के भी हमारे पास, काला अमरुद है, इलाहाबादी है, मसाले वाली मसाले हैं आपके पास, हाँ तेज पत्ता है। और ये जो भी नर्सरी लगाया गया है इन्हीं के द्वारा, और ये इस यहाँ ये नर्सरी का काम चलता है, देखिए तैयार खुद से नर्सरी ये लगाते हैं जी। आम का हो गया ये, और गुलाब का पौधा हो गया, जिसे जो भी चीज़ें नर्सरी लग सकती हैं यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगी। आप किसी भी जिस पौधे की नर्सरी चाहते हैं तो यहाँ से आप BRD PG कॉलेज में आके कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। और कई गुलाब के पौधे का कई तरह का वैरायटी मिल सकती है, हर वैरायटी का, जैसे कि रेड येलो हर प्रकार की अगर गुलाब का पौधा चाहेंगे तो यहाँ अवेलेबल मिलेगी आपको जी। और कुछ गुड़हल के फूल हैं वो भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, कई कलरों में मिल सकती हैं, और बहुत शोभाकारी जो यहाँ पौधे मिलेंगे हर प्रकार की जी। आप अपने गार्डन खुद का गार्डन तैयार कर सकते हैं, यहाँ से नर्सरी उपलब्ध हो जाएगी। और जो भी है कि यहाँ BRD PG कॉलेज में आप आके यहाँ BRD PG के प्रांगण में ही ये नर्सरी को लगाया गया है जी, और इन्हीं के द्वारा ये 3 साल हो गया यहाँ नर्सरी का काम चलते हुए, और पहले से बहुत कुछ बदल दिया है। यहाँ आइए खुद देखिए BRD PG कॉलेज में, BRD PG यहीं की नर्सरी का यूज करके BRD PG कॉलेज की पूरी सजाई गई है एक हर तरह से। आप आएँ देखें और हर प्रकार का आपका पौधा मिलेगा यहाँ पे, और अपने घरों द्वारों पे जो है कि हर प्रकार का लॉन लगाना चाहते हैं, गार्डन बनाना चाहते हैं, हेज वाली पौधे मिल जाएंगे हर प्रकार की। और इनके द्वारा आप अच्छे से अच्छे सुझाव ले सकते हैं कि किस तरह से हम ये काम को अपने पूरा करें। तो दोस्तों अगर तो आपको ट्रेनिंग भी लेना हो तो संतोष भाई ट्रेनिंग भी देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों दोस्तों आपको जो भी चाहिए यहाँ से आप उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करो, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।